आपकी बात में एक बार आपका फिर स्वागत है। हमारी खास पेशकश मंत्र सुनकर आएंगे मेघ। ये सुनकर चौंक गए होंगे आप, लेकिन मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक बार फिर पर्जन्य वृष्टि अनुष्ठान होने जा रहा है। दरअसल इसके जरिए मेघों को बुलावा भेजा जाता है। ये परंपरा उज्जैन में बंद हो चुकी थी, लेकिन इस बार मालवा में मानसून का इंतजार लंबा हो गया है। ऐसे में उज्जैन के पंडे पुजारी महाकाल मंदिर में पर्जन्य अनुष्ठान करने की मांग कर रहे हैं। कलेक्टर ने भी इसके लिए हामी भर दी है। हम पर्जन्य अनुष्ठान पर सवाल नहीं उठा रहे, पर सरकार के जिम्मेदारों से ये पूछना जरूर चाहते हैं कि मंगल पर अपना उपग्रह भेजने वाले देश में, आईटी के सुपर पावर बन चुके भारत में, क्या ऐसे कर्मकांडों के लिए गुंजाइश होनी चाहिए? अजब एमपी में गजब परंपरा, उज्जैन में पंडों करार, वर्षाला ने पर्जन्य अनुष्ठान की मांग। महाकाल की नगरी उज्जैन में कुछ इस अंदाज में पर्जन्य अनुष्ठान होता है। हालांकि इस साल ये अनुष्ठान नहीं हुआ, पुराने दौर में हर साल ये होता था। पर्जन्य अनुष्ठान एक खर्चीला आयोजन है जिसमें 20 लाख से भी ज्यादा की राशि खर्च हो जाती है। इस साल जबकि बारिश में देर हो गई है, तो फिर उज्जैन के पंडों ने पर्जन्य अनुष्ठान को मुद्दा बना दिया है। उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि अनुष्ठान न होने की वजह से ऐसा हो रहा है। कुछ लोगों का यह मत था कि नहीं, ये अनुष्ठान नहीं होना चाहिए। उन लोगों ने इस अनुष्ठान के कारण एक अलग अर्थ निकाल लिया कि इससे लाखों रुपया कमाया जाता है, लाखों रुपए की बर्बादी होती है। तो इस चक्कर में मंदिर समिति ने कहा कि ठीक है, यदि आप सब लोगों को ऐसा लगता है कि बर्बादी होती है, तो मंदिर समिति ने इस अनुष्ठान को वर्तमान में विश्राम दिया है। यहाँ की प्रार्थना सारे भूमंडल पर लागू होती, केवल हमारे भारत पर ही नहीं। तो ऐसी जगह ये असल में स्टेट के जमाने से सतत अनुष्ठान होने का क्रम था। अच्छे विद्वान लोग जो पर्जन्य के और वेद के जानकार होते थे, ऐसे लोग अखंड 11 दिन तक किया करते थे। वृष्टि कम हो या ज्यादा हो, लेकिन प्रार्थना करना में कोई गुनाह नहीं है। प्रार्थना हमेशा की जा सकती है। हर साल महाकाल मंदिर के पंडित पुजारी मिलकर पर्जन्य अनुष्ठान करते थे। ये अनुष्ठान पूरे 24 घंटे चलता है। अनुष्ठान का खर्च मंदिर समिति उठाती थी। बीते सालों में जब हर बार अनुष्ठान के पहले ही अच्छी बारिश होने लगी, तो महाकाल मंदिर के तत्कालीन अध्यक्ष कविंद्र कियावत ने पर्जन्य अनुष्ठान को स्थगित कर दिया। लेकिन इस साल जब बारिश में देरी हुई, गंभीर डैम पर जब सूखे की मार पड़ी और शहर में जल संकट बढ़ा, तो फिर पर्जन्य अनुष्ठान कराने की मांग उठने लगी। हालांकि ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो इसे सरासर फिजूल खर्ची मानते हैं, तो कई इसे पंडे पुजारियों को लाभ पहुंचाने वाली परंपरा भी करार देते हैं। वर्तमान कलेक्टर ने बारिश में देरी को देखकर एक बार फिर पूजन अभिषेक करवाने की बात कही है। हालांकि मौसम विभाग ने एक दो दिनों में अच्छी बारिश के संकेत दिए हैं। इस सप्ताह वो पूरी तरह जो है योग बन रहा है। गुरुवार की तारीख हम सोच रहे थे, परंतु शनिवार को, क्योंकि शनि प्रदोष भी आ रहा है, उस तहत हम अभी हमारे पुजारी गणों के साथ बात करके इसी हफ्ता पूरा उसको मूर्ति रूप देंगे। पुनः हमारे यहाँ मानसूनी बादल सक्रिय हुए हैं, किंतु काफी कमजोर होने के कारण ज्यादा बारिश हो नहीं पा रही है। लेकिन निश्चित रूप से आने वाले कुछ 3-4 दिनों में और हमारे यहाँ बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की ओर से बादल आने की संभावना है और काफी अच्छी वर्षा हो सकती है। धार्मिक मान्यताएं अपनी जगह हैं और वैज्ञानिक सच अपनी जगह है। ऐसे दौर में जबकि मानसून के मैकेनिज्म और बारिश की इंजीनियरिंग से हम सभी परिचित हैं, बारिश लाने के नाम पर 20 लाख खर्च कर देने में क्या कोई समझदारी दिखती है? नासिर बेलिम, IBC 24, उज्जैन। हम ये समझने की कोशिश करें कि पर्जन्य अनुष्ठान से बारिश कैसे होगी, उससे पहले हम आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। एक में है बीते वर्षों में हुए पर्जन्य वृष्टि अनुष्ठान की और दूसरी है क्लाउड सीडिंग की। क्लाउड सीडिंग क्या है?
क्लाउड सीडिंग मतलब कृत्रिम तरीके से बारिश कराई जाती है और एक ऐसी तकनीक है जो कि केवल अपने ही देश में नहीं विदेशों में काफी सफल रही है। हमारे देश में भी कई राज्यों ने इसको करके इसमें बारिश बुलाई है, जहां पे सूखा पड़ा हो महाराष्ट्र ने इस तकनीक को अपनाया है। और दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो है कर्मकांड से बारिश कराई जाए। तो क्या कर्मकांड से बारिश संभव है, ये वो ज्यादा अच्छा तरीका है, या हमें कोई वैज्ञानिक तरीका अपनाना चाहिए जिससे क्लाउड सीडिंग करके बारिश हो सकती है, तो ये हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कई गणमान्य मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। उज्जैन में हमारे साथ जुड़ रहे हैं पंडित आशीष पुजारी हैं, जो कि संयोजक हैं पर्जन्य अनुष्ठान के। उज्जैन से ही हमारे साथ जुड़ेंगे पंडित महेश पुजारी, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय पुजारी महासंघ के। और भोपाल से हमारे साथ डीपी दुबे साहब जुड़ेंगे, जो कि पूर्व निदेशक हैं मौसम विभाग के। और सबसे पहले मैं पुजारी जी, आशीष पुजारी जी के पास जाना चाहता हूं। आशीष जी, एक बात मैं आपसे समझना चाहता हूं कि ये पिछली बार पिछले कई सालों में पर्जन्य अनुष्ठान को इसीलिए बंद कराया गया कि बारिश अपने आप अच्छी तरीके से हो रही थी, और जब ये अनुष्ठान होता था उससे पहले ही बारिश हो जाती थी, तो जो पिछले कलेक्टर थे उन्होंने इस अनुष्ठान को बंद करा दिया। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि पर्जन्य अनुष्ठान के ही वजह से बारिश होती थी और ये एक नेचुरल और वैज्ञानिक प्रक्रिया नहीं है? देखिए, पर्जन्य अनुष्ठान की एक आप लोगों ने धारणा एक गलत बना रखी है जी। पहली बात तो ये कि आपकी बात तो जो आप बताते कि पर्जन्य अनुष्ठान में 20 लाख या 25 लाख का खर्चा आता है, सामान्यतः इतना खर्चा नहीं आता है। 11 दिवसीय करते हैं तो 10 लाख के लगभग का खर्चा आता है, नंबर वन। नंबर टू, पर्जन्य अनुष्ठान एक ऐसा अनुष्ठान है जो एक पर्टिकुलर नक्षत्र के अंदर ही किया जाता है। जब सूर्य मृग राशि मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश करता है, हमारे यहाँ जो 27 नक्षत्र है इसमें मृगशिरा नक्षत्र और आद्रा दो ऐसे नक्षत्र है जो जल वृष्टि के कारण बताए गए हैं, और मृगशिरा नक्षत्र के अंदर ये अनुष्ठान को किया जाता है। उसका तात्पर्य होता है कि जिस प्रकार से हमारे घर में विवाह होता है तो हम उसके पहले एक पत्रिका का निमंत्रण छपवाते हैं, और वो निमंत्रण सबसे बड़े गणेश जी महाराज के यहाँ पे अर्पण करते हैं। उसी प्रकार से उस नक्षत्र के दिन इंद्र भगवान को एक निमंत्रण दिया जाता है कि आपका समय आ गया है, आप हमारे राज्य में आई है और उत्तम जल वृष्टि करिए। इसलिए पर्जन्य जो अनुष्ठान है वो एक पर्टिकुलर नक्षत्र के अंदर ही किया जाता है, उस नक्षत्र के अलावा यह अनुष्ठान नहीं होता है। इसलिए ये मृगशिरा जो नक्षत्र आता था इसमें यह अनुष्ठान हर बार किया जाता था और इंद्र को निमंत्रण दिया जाता था कि जिससे इंद्र भगवान हमारे राज्य में आए और उत्तम जल वृष्टि करें। लेकिन पुजारी जी, ये भी तो सत्य है कि जब तक आपका ये अनुष्ठान होता था बारिश हो चुकी होती थी या हो रही होती थी। तो मतलब ये कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि एक मान्यता हो सकती है, हम मान्यता की एक अलग चीज है। आप जी बोलिए। सर, आपकी मैं बात को काटूंगा। आप पिछले 5 साल के रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए कि पर्जन्य अनुष्ठान के 5 से 7 दिन के बाद में ही वर्षा ऋतु प्रारंभ का भी जो हमारा शास्त्रों में विधान है वो चालू होता है, और मृगशिरा नक्षत्र के बाद में ही बारिश चालू होती है। तो फिर पिछले साल बंद क्यों किया गया? सवाल ही नहीं उठता है। तो फिर इसे बंद क्यों किया गया? 10 साल का पूरा रिकॉर्ड निकला लीजिए। नहीं, तो फिर इसे बंद क्यों किया गया? अगर ऐसा ही होता था तो इसे बंद क्यों किया गया? देखिए, पिछली बार ये बंद जो शासन प्रशासन ने किया, शासन प्रशासन ने बंद किया। धर्म की चीजें हैं, धर्म की परंपराएं हैं जो अनादिकाल से चली आ रही है। हम लोग बोलेंगे चालू या बंद करने के लिए तो हमें तो ये आरोप लग जाता है कि आप लोग ब्राह्मण लोग पैसे के लालच में कर देते हो बंद चालू। पर जो अनादिकाल की जो हमारी धर्म की परंपराएं बनी हुई है, अनादिकाल से जो व्यवस्थाएं बनी हुई है, वो उन्होंने भी कुछ सोच समझ कर बनाई होगी। और पर्जन्य अनुष्ठान क्या है, सामान्यतः लोग सामान्य बात कर लेते हैं। एक श्रृंगी ऋषि हुए थे हमारे यहाँ पर, एक ऋषि है जो अंग देश एक राज्य था, वहां के राजा लोमपाद थे, वहां पे अकाल पड़ा था। जब अकाल पड़ा तो वहां पर जब त्राही मच गई चारों तरफ, तो वहां पर ऐसा आह्वान किया गया संत महात्मा के द्वारा, एक ब्राह्मण है एक ऋषि है, यदि वो हमारे राज्य में कदम रख देगा तो उत्तम जल वृष्टि होगी। तो श्रृंगी ऋषि जब वो राज्य में बुलाया गया और जब वो उस राज्य में आए तो बारिश हुई,
तो जब से हमारे शास्त्रों में वरदान मिला कि जब जब भी श्रृंगी ऋषि का आह्वान कर पर्जन्य अनुष्ठान किया जाएगा तो उस राज्य में उत्तम जल वृष्टि होगी। इसीलिए जो परंपरा अनादिकाल से शास्त्रों में चली आ रही है जी। उसी का पालन करना ब्राह्मणों का फर्ज बनता है और उसी को बताना शासन का ब्राह्मणों को फर्ज बनता है। शासन को कराना ना कराना ये शासन का दायित्व है जी। मैं आगे बाकी मेहमानों को चर्चा में करूं, इससे पहले मैं बाकी जनता को और भी चीज बताना चाहता हूं कि आखिर ये पर्जन्य अनुष्ठान होता क्या है। तो ये जो अनुष्ठान है ये बारिश लाने के लिए उज्जैन में एक विशेष पूजा, जैसा कि पंडित जी बता रहे थे, आशीष पुजारी जी बता रहे थे कि एक पूजा, विशेष पूजा की जाती है महाकाल मंदिर में। इस पूजा का आयोजन होता है, इस अनुष्ठान का आयोजन होता है। कभी 51 कभी 101 जो पंडित हैं वो इसमें मिलकर पूरे कर्मकांड करते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं। कभी कभी ये 24 घंटे चलता है, कभी कभी उससे ज्यादा भी चलता है, कभी 11 दिनों तक भी ये अनुष्ठान होता है। और अभी ये 24 घंटे चलने लगा था, पहले करीब 11 दिनों तक होता था। नक्षत्र मृगशिरा या आद्रा में ही इसको करने की परंपरा है और ये करीब 29 घंटे गर्भगृह, इस दौरान गर्भगृह बंद रहता है, जहां पर महाकाल की पूजा होती है वहां ये बंद रहता है। गणपति की इसमें पूजा की जाती है, जैसा कि आशीष पुजारी जी बता रहे थे कि श्रृंगी ऋषि के आने को इसमें बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो उनकी ही पीतल और मिट्टी की प्रतिमा की स्थापना की जाती है, श्रृंगी प्रतिमा और महाकालेश्वर पर सहस्त्र जो जलधारा है उसका प्रवाह किया जाता है। और जो ब्राह्मण जो है वो जो मंत्रों की संपुट्टी के साथ महारुद्र अभिषेक भी करते हैं। तो महाकाल का पंचामृत और फलों के रस से भी इसमें अभिषेक किया जाता है और विधि विधान के साथ श्रृंगी ऋषि प्रतिमा का शिप्रा में विसर्जन किया जाता है। तो ये इसकी एक प्रोसेस है जिससे ये किया जाता था। आशीष पुजारी जी भी कुछ इस तरीके का बता रहे थे। तो मैं महेश पुजारी जी से पूछना चाहूंगा कि उन्होंने बीच में बोला कि आरोप लगता है कि पुजारी जो लोग हैं इससे पैसा कमाने की देखते हैं, इसलिए शायद इसके ऊपर वो जोर लगा रहे हों कि इस बार ये दोबारा से शुरू हो बंद होने की वजह से। आपको क्या लगता है महेश पुजारी जी कि क्या ये उचित है? आज के समय में मान्यता एक अलग चीज है, लेकिन हम इस तरीके से कहें कि ये पर्जन्य अनुष्ठान नहीं हो रहा इसीलिए बारिश नहीं हो रही, और ये होगा तो बारिश होगी और ना कि हम अपने कोई साइंटिफिक तरीके हैं उनको अपनाएं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, हमारा भारतवर्ष जो है वो आध्यात्मिक है और यहाँ आध्यात्मिकता से सारी चीजों को देखा जाता है। आज का युग आप जरूर कहेंगे कि वैज्ञानिक युग है, लेकिन ये वैज्ञानिक से विज्ञान भी हमारे इस आध्यात्मिक व्यवस्थाओं के आगे फेल हुआ है। तो ये एक व्यवस्था है कि जब जब ईश्वर को मनाए, हमारे इसमें एक श्लोक आता है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो दुख में सुमिरन जो करे तो दुख का एको होई। ये एक प्रथा, एक हमारे कबीर ने कहा है, यदि हम भगवान को प्रतिदिन मनाएंगे, प्रतिदिन उससे आराधना करेंगे तो स्वयं परिवार भी सुखी रहेगा और देश भी खुशहाली में रहेगा। यदि भगवान की पूजा किसी भी रूप में की जाती है तो वो कहीं गलत नहीं है। और पुजारी पुरोहित तो वैसे ही आदि अदानी काल से उनको बदनाम किया गया है कि ये पैसे के लालच में आके इस तरीके की व्यवस्था करते हैं। हम लोगों की या पुजारियों की या ब्राह्मणों की किसी भी व्यवस्थाओं से लालच नहीं है, केवल एक आध्यात्मिक व्यवस्था को लेके हम ये जन जागरण करना चाहते हैं कि यदि भगवान को मनाएंगे तो देश में खुशहाली। कई मरतबा स्थिति बनती है, कई मरतबा अकाल की स्थिति बनती है और कई मरतबा भगवान की आराधना पूजा, कई केवल महाकाल मंदिर में आराधना पूजा से नहीं होती है, पूरे देश में यदि ऐसी स्थिति बनती है तो प्रत्येक मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे सभी जगह देवताओं की आराधना प्रारंभ हो जाती है। लोग अपने अपने तरीके से भगवान को मनाना शुरू करते हैं, कोई निजी खर्चा करता है, कोई ट्रस्ट खर्चा करता है, महाकाल मंदिर में ट्रस्ट है तो वो करता है। जो भी बात होती है राजा से ही तो की जाती है। आपको पता है कि जिस हमारे त्रेता के अंदर भी जब जनक ऋषि जनक जी के देश के अंदर अकाल पड़ा था तो उनसे भी उन्होंने जब ब्राह्मणों से ऋषियों से सलाह ली थी तो उनको ये कहा गया था कि इस अकाल को दूर करने के
आध्यात्मिक मैं समझा आपकी बात, आपका ये कहना है कि आध्यात्मिक और पूजा करना कोई बुरा नहीं है। मैं डीपी दुबे साहब के पास चलूंगा भोपाल में, मैं आऊंगा आपके पास। महेश पुजारी जी, मैं आपकी बात समझ गया कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। मैं दुबे साहब से जानना चाहूंगा कि जो आपने दोनों पुजारियों की बात सुनी, एक अनुष्ठान हो एक हो, लेकिन क्या ये कहना कि इसी अनुष्ठान की वजह से बारिश होगी जो नहीं हो रही है, क्योंकि अनुष्ठान रुक गया है इसलिए इस बार बारिश नहीं हो रही, ये कितना सही है? और अगर बारिश नहीं हो रही तो क्या उसके कोई साइंटिफिक तरीके हैं? एक हमने दिखाया जिससे बारिश हो, जिससे करके बारिश हो सकती हो। दुबे जी, देखिए ऐसा है कि पहले तो मैं आपको बता दूं, वैज्ञानिक तरीका अपना, अभी विज्ञान अपना तरीका, मैं आऊंगा आपके पास, महेश जी मैं आपके पास आऊंगा। हमें अपने आप पे विश्वास है, हमारे ईश्वर पे विश्वास है। जी दुबे जी, ठीक नहीं, मैं पहले बता दूं आपको सर कि जो है अभी अगले 2-3 दिनों में बहुत अच्छी बारिश होने वाली मध्य प्रदेश में, पहली बात तो ये, और उसके बाद में फिर एक और स्पेल आएगी 19-20 के अवसर, फिर अच्छी बारिश होने वाली, एक तो ये है। और दूसरा ये है कि जो बारिश की जो तरीके हैं या जो मानसून की बात हम करें, तो ये मानसून ग्लोबल फिनोमेनन, मतलब ये ऐसा नहीं कि खाली जो है हमारे मध्य प्रदेश में ही पानी गिरता है या पर्टिकुलर एक जगह गिरता है, ये इंडिया से लेके चाइना तक मानसून आता है, और इसमें बीच बीच में जो है जैसे वेदर सिस्टम फॉर्म होते हैं उसी तरह की एक्टिविटी बनती है। जी अभी आपने देखा होगा कि ये जो मानसून था बीच में बॉम्बे तक आया, उसके बाद थोड़ा सा कमजोर हो गया, उसके बाद फिर अभी एक सर्ज उठा है, तो फिर दूसरा सिस्टम बने हैं और पानी गिर रहा है। जी मैं समझ गया, ये अच्छी बात है जो दुबे जी, मैं आऊंगा आपके पास, ये अच्छी बात है कि बारिश की अच्छी होने वाली है, राज्य में बारिश काफी तेज होने वाली है, ये पुजारी जी भी बात सुन रहे होंगे। मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन अभी एक वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम फिर इस चर्चा को जारी रखेंगे। आपकी बात में एक बार आपका फिर स्वागत है। मैं आस्था की बात को सवाल नहीं उठा रहा हूं, मैं खुद भी महाकाल अभी 2 दिन पहले ही होके आया हूं, महाकाल मंदिर में मैं माथा टेक के आया हूं दुबे जी, लेकिन मैं ये आपसे जानना चाहता हूं कि वैसे तो आपने खुशखबरी दी है कि अगले 2 दिन में काफी तेज बारिश होगी पूरे राज्य में, मध्य प्रदेश में, लेकिन क्या अगर बारिश ना हो रही हो तो उसमें क्या ऐसे साइंटिफिक तरीके नहीं है जिससे बारिश की जाए? जैसे क्लाउड सीडिंग एक तरीका है, तो क्या ऐसे, अब तो इतना साइंस डेवलप कर गया है, वैज्ञानिक इतने तरीके हैं, तो आपको क्या लगता है कि पर्जन्य अनुष्ठान नहीं किया इसीलिए बारिश नहीं हो रही हो, या अगर उससे हम ज्यादा वैज्ञानिक तरीके अपनाएं तो वो ज्यादा बेटर है? देखिए ऐसा है कि ये जो आपका अनुष्ठान जो नहीं किया इसलिए बारिश नहीं हुई, ये तो इसको कोई भी साइंटिस्ट नहीं मानेगा, क्योंकि ये जो लोकलाइज है एक्चुअली, आप उज्जैन में अगर अनुष्ठान कराएंगे तो उस पड़ोसी एरिया में बारिश होगी ऐसा नहीं है। दूसरा, ये जो बरसात जो आप आर्टिफिशियल रेन की बात कर रहे हैं, वो आर्टिफिशियल रेन होती है, हम लोग क्लाउड सीडिंग करते हैं बादलों के ऊपर जाके, सोडियम क्लोराइड वगैरह जो है उसमें सीडिंग करते हैं, उससे बारिश होती है, लेकिन एक्चुअली क्या है, थोड़ा सा ये कॉस्टली अफेयर है, तो जनरली इसको रिकमेंड इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा बारिश नहीं मिलती, पैसा बहुत खर्च होता है। दूसरा ये कि आप एक पर्टिकुलर एरिया में आप चाहें कि यहाँ बारिश करना है, वहाँ यज्ञ वगैरह कर दें या जो भी करें, तो मैं नहीं समझता हूँ कि इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा, और बहुत लोग मानते हैं, लेकिन साइंटिफिक तरीके से जो है बहुत ज़्यादा इसको वो नहीं किया जा सकता। जी तो आशीष पुजारी जी, एक चीज़ बताइए कि अगर साइंटिफिक तरीका है, हालांकि कॉस्टली है लेकिन एक तरीका है, लेकिन हम इस तरह की बात क्यों करें कि पर्जन्य अनुष्ठान, देखिए बारिश हो रही तभी बंद किया गया, लेकिन उस बात को इस तरीके से प्रचार करना कि भाई ये अगर नहीं करेंगे तो बारिश नहीं होगी, क्या ये गलत नहीं है आज के समय में? ये किसने बोला कि हमने ये प्रचार किया है, पहले आप ये बताइए। हमने तो पिछली बार नहीं हुआ तो हम तो चुपचाप हो गए थे, हम ब्राह्मणों ने किसी को कुछ नहीं बोला, इस बार तो जनता की मांग वापिस से आई, उज्जैन के भक्त लोग हैं, उन्होंने सब में दबाव डाला शासन प्रशासन पे कि नहीं इस बार आप, अगली बार आपने पर्जन्य नहीं कराया है, इस कारण ये स्थितियां बन रही है, तो आप कुछ अनुष्ठान करिए। दूसरी चीज, पर्जन्य का जो मुहूर्त है वो भी निकल चुका है वर्तमान के अंदर, बाबा के दरबार में अब तो सिर्फ जो भी अनुष्ठान होगा शिव के सामने प्रार्थना की जाएगी। हम लोगों ने तो कभी आगे रहकर शासन प्रशासन से नहीं बोला कि आप मत कराइए, कराना नहीं कराना ये आपका काम है, किंतु धर्म की जगह पर हम लोग बैठे हुए तो हम तो हमारी हर व्यवस्थाओं को धर्म के हिसाब से ही बोलेंगे ना,
हम उस दूसरे हिसाब से जैसे वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक वैज्ञानिक के हिसाब से बोलेगा, धर्म धर्म के हिसाब से बोलेगा, और जब धर्म के हिसाब से बोलने की बात होगी तो जो हमारे शास्त्रों में जो चीज लिखी हुई है हम तो वही उपचार बताएंगे। जिस प्रकार से एक आयुर्वेदिक के पास में जाओगे तो अलग दवा देगा, होम्योपैथिक के पास में जाओगे तो वो अलग दवा देगा, उसी प्रकार ब्राह्मण के पास यदि कोई आएगा तो ब्राह्मण उसको धर्म का जो रास्ता है, धर्म के हिसाब से जो उसका उपचार है वो वही बताएगा ना। बिल्कुल सही बात है। महेश से बताएगा, तो महेश पुजारी जी, हम धर्म की जगह पर बैठे हुए तो हम धर्म के हिसाब से व्यवस्था बताते हैं कि इसके करने से परम पिता परमात्मा प्रसन्न हो सकते हैं जी। महेश पुजारी जी, मतलब ये माना जाए कि अगर अब तो आप कह रहे हैं कि मुहूर्त जो है वो निकल चुका है जब ये होना चाहिए था, तो क्या अभी भी कुछ ऐसा तरीका है कि हालांकि हमारे दुबे साहब कह रहे हैं कि अब तो काफी बारिश होने वाली है, तो क्या अब ये जरूरी होगा कि इसको करना, क्योंकि कलेक्टर कह रहे हैं कि हम इसको करवा सकते हैं, तो क्या ये करना जरूरी होगा? इतने पैसे आप इसमें खर्च करेंगे, इससे तो अच्छा कि किसी और सामाजिक कार्य पर उस पैसे को खर्च किया जाए। दुबे जी, नहीं, दुबे साहब ने भगवान नहीं होगा है कि उन्होंने कह दिया बारिश होगी, यदि ईश्वर को यदि मंजूर नहीं हुआ तो इनके कहने के बाद भी बारिश नहीं हुई तो उसका फिर इनके पास विकल्प क्या है? इसका कोई विकल्प है उनके पास? तो दुबे जी बताइए, आप क्या कहते हैं, आपने भविष्यवाणी कर दी तो क्या बारिश हो ही जाएगी? करने की बात ईश्वर के पास में है, यदि ये जो प्रकृति व्यवस्था जी, जी ऐसा है कि नहीं, हमने भविष्यवाणी नहीं की, हम भगवान पे विश्वास करते हैं, ऐसा है कि हम प्रभु पे विश्वास करते हैं। मैं अभी बता दूं जी, मैं बता दूं कि अभी उज्जैन उज्जैन वगैरह की तरफ क्लाउड्स पहुंच रहे हैं, बादल आ रहे हैं, अगर उज्जैन में अगर हैं तो आप देख रहे होंगे वहां पे बादल जरूर आ रहे होंगे, और ये अभी पूरे सागर और ये रीवा और ये पूरा भोपाल की तरफ भी क्लाउड मास मूव कर रहा है, तो क्योंकि ये नजर आ रहा है। एक्चुअली क्या है, ये सैटेलाइट से क्लाउड इमेज दिखती है, तो जो चीज दिखती है उसको तो आपको माननी पड़ेगा ना। एक्चुअली तो आप जहाँ क्लाउड्स हैं आप देखें, ये नजर तो आ रहा, बारिश हो रही हम, है, और हम ईश्वर से भी प्रार्थना, हम ईश्वर से, हम ईश्वर से प्रार्थना भी कर रहे हैं हमारी जी जी। ये मेरे पास समय कम है, ये बात सही है, हम ईश्वर से भी प्रार्थना तो यही कर रहे हैं, पूरा उज्जैन नगर कर रहा है, अपने अपने तरीके से भगवान को मना रहे हैं, इसलिए ये हमारा विश्वास है, आपका विश्वास वो हो सकता है, हमारा विश्वास ये है। अब यही बात खर्चे वाली, तो खर्चे का जो शासन जो ट्रस्ट होता है वो उसका एक बजट बनाता है कि भाई ये हमको आयोजन कराना है तो इस आयोजन का ये बजट है, अब उस बजट में 4 लाख भी खर्चा होता है या 5 लाख खर्चा हो या 20 लाख खर्चा हो, ये तो बजट है, ये ऐसा थोड़ी हो गया कि 20 लाख ही खर्चा हो गया, ये तो एक बजट होता है और उस बजट के आधार पे व्यवस्था होती है। और दूसरी चीज, धर्म की जगह पर बैठे हैं तो धार्मिक अनुष्ठान ही करेंगे। बिल्कुल सही बात है, आस्था बिल्कुल सही बात है, समय थोड़ी कमी है और इतिहास आस्था अपनी जगह है, लेकिन वैज्ञानिक तरीका एक अलग महत्वपूर्णता है, जिस तरह की दुबे जी ने बताया कि अब बादल पहुंच चुके हैं और उनके पास इस तरह की रिपोर्ट है जो कि काफी सच होती हैं आजकल, जो मेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट्स हैं कि अगर वो कह रहे हैं तो बारिश होगी तो हमें मान लेना चाहिए। और ये बात सही है कि आप अपनी बात भी मान सकते हैं कि आप जो प्रार्थना कर रहे हैं उसकी वजह से ये बारिश हो रही है। आपको हमारी ये खास पेशकश कैसी लगी, अपनी राय हमें जरूर दें। पहले मैं अपने मेहमानों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने अपना समय दिया हमारे साथ। आप हमारे ऑफिशियल फेसबुक पेज या मेरे फेसबुक अकाउंट पर भी जुड़ सकते हैं, ट्विटर अकाउंट पर भी आप अपनी राय हमें दे सकते हैं। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत अहम हैं, हमें आपके सुझाव का इंतजार रहता है। नमस्कार।